12 अप्रैल को करीब करीब 38 लाख वैक्सीन्स लगी, जो कि बहुत अच्छी एक चीज़ है। और अगर इसी स्पीड से हम चलते रहते, करीब 40 लाख वैक्सीन रोज लगाते रहते, जो कि हमें एक टारगेट था हमारे मन में, तो आज हम करीब करीब 53 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर चुके होते एटलीस्ट एक डोज, जो कि बहुत प्रोटेक्टिव है। यानी 53% लोग जो एलिजिबल हैं वो वैक्सीन ले चुके होते। अनफॉर्चुनेटली कल सिर्फ 13 लाख के करीब डोजेस लगी हैं और अभी हम सिर्फ 19 करोड़ लोगों को पहला शॉट दे पाए हैं, कम से कम एक शॉट दे पाए हैं, जो कि करीब करीब जिनको लगनी चाहिए उनमें से सिर्फ 20% लोग हैं। तो ये स्पीड बहुत कम है, हमें स्पीड बढ़ानी ही होगी अगर सबको वैक्सीन लगवानी है जल्दी जल्दी, वरना ये वायरस बहुत समझदार है, ये वायरस बहरूपिया है, हम सब जानते हैं इसके बारे में। अगर धीरे धीरे वैक्सीन लगाई तो ये अपना रूप बदल लेगा और हो सकता है, भगवान ना करे, कि ये वैक्सीन इस पर असर करने ही बंद कर दे। तो सबसे गुजारिश है कि आप जल्दी से जाएं वैक्सीन लगवाएं जैसे ही आपका स्लॉट अवेलेबल हो, और सभी सरकारों से गुजारिश है, चाहे वो किसी भी प्रदेश की हो चाहे केंद्र सरकार हो, कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी भारी मात्रा में उपलब्ध कराएं। कोरोना केसेस का ग्राफ नीचे आ रहा है, केसेस कम हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चिंता की बात यह है कि वैक्सीनेशन का ग्राफ भी बहुत नीचे आ रहा है। 24 घंटे में 2,40,000 केस और करीब करीब 3,700 डेथ। डेफिनेटली ये 7वां 8वां दिन है जबकि 2.5 लाख से 3 लाख से कम केसेस आ रहे हैं और आज 2.5 लाख से भी कम आया है। तो ये निश्चित तौर पे इंडिकेट करता है कि जो कोरोना के केसेस हैं वो थोड़े काबू में आए हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कोविड एसोसिएटेड म्यूकोरमाइकोसिस है उसका इंसिडेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है।